फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कविता जी का उपवन। आप देख रहे हो यहाँ पर ब्यूटीफुल सा फ्लावर रोज़ का, और ये बिल्कुल आपको लाइट कलर का दिख रहा होगा बट ये ऑरेंज कलर का है। ठीक है, बड़ा प्यारा सा फ्लावर खिला हुआ है। इस प्लांट पर बहुत सारे फ्लावर खिले थे, एक्चुअली मैं सूट नहीं कर पाई। एक और बर्ड मैं दिखाती हूँ, मेरे हाथ में कुछ है उसे रख देती हूँ। तो देखो यहाँ पर, देखो मेरा हाथ ही नहीं जा रहा है। तो देखो, ठीक है, ये देखिए एक ही प्लांट के दो फ्लावर खिले हुए हैं। रोज़ की प्लांट को आप इस टाइम पर लेकर लगा सकते हो, बट फ्लावरिंग जो है वो नेक्स्ट सीज़न में ही होगी, क्योंकि ये विंटर के फ्लावर हैं। मेरे गार्डन में खिल रहे हैं क्योंकि मैंने विंटर में इनकी अच्छी खासी केयर की थी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ मिट्टी पड़ी हुई है, मैं मिट्टी भी सुखा रही हूँ, मिट्टी रेडी भी कर रही हूँ। और आज का वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनको रोड के किनारे बहुत सारे प्लांट दिख जाते हैं, या फिर मैं बोलूं जैसे अभी अंधी तूफान आते हैं तो कितनी बार बड़े बड़ी ब्रांचेस जो होती हैं पेड़ों की वो गिर जाती हैं। हम सोचते तो हैं कुछ करना बट कर नहीं पाते हैं, या तो उसे साइड कर दें या फिर हम सोचे कि चलो इसे उठाकर लगा लें। कैसे लगाए वो बहुत से जनों को नहीं आता है, तो आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ कैसे आप रोड के किनारे पड़े हुए किसी भी प्लांट को या किसी ब्रांच को उठाकर पेड़ बना सकते हो। कैसे बनाओगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहले से बने हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अभी जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो ये देखिए, ये भी एक इसी तरह की ब्रांच है जेट्रोफा की, और ये अच्छी खासी फलने लगी है, फूलने लगी है। तो देखिए ये है हमारा आज का खजाना। हस्बैंड कल कहीं गए थे दिल्ली से बाहर, और उनको बड़ा सारा पेड़ दिखा और उसमें से कुछ ब्रांच वगैरह जो है वो ले आए, जितनी उनसे हो सकी, जितनी उनसे उठी उतनी ले आए। और ये हमारी ब्रांच है बोगनविलिया की, बोगनविलिया। बोगनविलिया जो है परमानेंट प्लांट है, मेरा फेवरेट प्लांट है, इसलिए हस्बैंड को इनके फ्लावर जो है ना वो वैसे भी उनको अच्छे लगते हैं और मेरा तो फेवरेट है ही। तो वो मेरे लिए बहुत सारी कटिंग लाए हैं। अब इन कटिंग को हम कैसे ग्रो करेंगे, इनमें रूट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया रोड के किनारे पड़े हुए थे वो उठा कर लाए हैं किसी तरह से काट पीट के, तोड़ फोड़ के। तो इनको कैसे ग्रो करेंगे वो बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने जो कटिंग है वो सारे के सारे अपने फंगी पाउडर में डिप करके रखी है कल से ही। और यहाँ पर मिट्टी जो मैंने आपको रेशियो बताया है वही मिट्टी का रेशियो है, बस इसमें 5% एक्स्ट्रा रिवर सैंड है। पॉट मैंने दो ले लिए हैं यहाँ पर, दोनों ही मेरे, एक मिट्टी का और एक सीमेंट का है। फंगी पाउडर मैंने डाल दिया है, इसके आगे आपको वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में दिखाई। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा सा कोकोपीट इसमें डाल लिया है, ये रूट लाने में हेल्प करेगा। जिस भी प्लांट में आप कोकोपीट डालते हो या कटिंग लगाते हो तो रूट बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है। तो इस वाले में ये लगा दूंगा, और इस वाले में ये बड़ा वाला जो है, बड़ा सारा पेड़ टाइप का जो है, ये लगाऊंगी। तो थोड़ा सा कोकोपीट और ऊपर से डाल देती हूँ ताकि जितनी भी इसकी नीचे की पार्ट है वो सारा कोकोपीट से दब जाए। अच्छी तरीके से मैंने इसको ठोक ठोक कर कोकोपीट में लगा दिया। अब ऊपर से मिट्टी डाल रही हूँ, मतलब कि लगभग 1 इंच के करीब मैंने कोकोपीट डाला है, जो प्लांट है हमारा वहाँ तक 1 इंच तक प्लांट के अंदर हमारा कोकोपीट है। और उसके बाद मिट्टी डालकर फिर मैंने ऊपर से डाल दिया है पानी। पानी जब सूख जाएगा 2 से 3 दिन के बाद, तभी आप दोबारा वाटरिंग करना, शेडी एरिया में रख देना 4-5 दिन।